दोस्तों, ये मेरा हाथ में वीवो T1 मोबाइल है। तो इस पे जो है पैटर्न लॉक लगा हुआ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पे जो है पैटर्न लॉक लगा हुआ है। तो आपके पास अगर वीवो T1 मोबाइल है तो आपको अगर पैटर्न लग जाता है या पिन लॉक कुछ भी लॉक आप लग जाता है तो किस तरह आप रिमूव कर पाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने बहुत बार ट्राई किया हूँ, इसलिए यहाँ पे टाइमर चल रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये टाइमर खत्म हो चुका है। तो मैं अभी क्या करूँगा, यहाँ पे देख सकते हैं पैटर्न है, तो इसको पावर ऑफ कर लेता हूँ, फ़ोन को स्विच ऑफ कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा फोन जो है स्विच ऑफ हो चुका है। तो अभी हमको पावर की और वॉल्यूम ऊपर वाला बटन दोनों को सेम टाइम में प्रेस करके रखना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो आपको दोनों को सेम टाइम में प्रेस करके रखना है। प्रेस करने के बाद आपको आना है रिकवरी में। तो यहाँ पे वॉल्यूम के डाउन का बटन से आपको रिकवरी में आ गए हैं। तो यहाँ पे रिकवरी पे आपको पावर की प्रेस कर देना है। तो आप जैसे रिकवरी में आके पावर की प्रेस करोगे तो आपको इस तरह इंटरफेस आएगा। तो आपको तभी कीजिए हार्ड रिसेट। आपका फोन में अगर चार्ज 50% से ज़्यादा चार्ज कर लीजिए, उसके बाद हार्ड रिसेट कीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह इंटरफेस आ चुका है। तो यहाँ पे आने के बाद आपको सबसे पहले क्लियर डाटा पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे क्लियर डाटा पे क्लिक किया हूँ और यहाँ पे क्लियर डाटा क्लियर करता हूँ, तो ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्लियर डाटा हो चुका है। फिर से सेकंड वाला जो क्लियर ऑल डाटा, तो इस पर भी आपको क्लिक करना है। तो इस तरह इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह इंटरफेस आएगा, तो इसको ओके कर देना है। तो यहाँ पे इसका जो है क्लियर डाटा हो जाएगा। जो मान लीजिए आपका फोन में पिन पैटर्न पासवर्ड कुछ भी लॉक लग जाता है तो आप इस तरफ इसको रिमूव कर सकते हो। तो यहाँ पे हो चुका है, तो मैं इस पर ओके करता हूँ। ओके करने के बाद आपको यहाँ पे बैक कर देना है। तो यहाँ पे बैक आ जाना। बैक आने के बाद आपको यहाँ पे रिबूट सिस्टम लिखा है, जो रिस्टार्ट पे आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पे ओके कर देना है। तो फोन जो है रिस्टार्ट होगा और थोड़ा टाइम लगेगा, ऑन होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो इसलिए आपको फोन में 50% से ज़्यादा चार्ज रखें, उसके बाद इस तरफ हार्ड रिसेट कर दीजिए। तो आपका पिन पैटर्न पासवर्ड जो भी लॉक है तो वो सारा आपका रिमूव हो जाएगा। मतलब इस पर आप तभी तो अप्लाई कीजिए, मतलब इस पर आपका जो भी डाटा है वो डाटा भी साथ में सारा चला जाएगा। आपका फोन में जो भी इंपॉर्टेंट डाटा है, फोटो, इमेज, वीडियो जो भी है, वो सारा रिमूव हो जाएगा और आपका पैटर्न भी साथ में रिमूव हो जाएगा। पैटर्न, पिन, पासवर्ड जो भी लॉक है आपका साथ में सारा रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑन होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ। ऑन होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो आपको 3 से 4 सेकंड आपको वेट करना है। तो यहाँ पे टाइम लग सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा फोन इस तरह इंटरफेस आ चुका है। तो यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करते हैं, तो थोड़ा यहाँ पे प्रोसेस लेगा और यहाँ पे इंडिया सिलेक्ट है, नेक्स्ट कर देते हैं। तो नेक्स्ट करने के बाद आई एग्री पे चेक लगाते हैं, फिर से यहाँ पे नेक्स्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए वाईफाई मांग रहा है और स्किप का ऑप्शन आ रहा है। अगर आपका फोन में जीमेल आईडी है तो यहाँ पे आपको जीमेल आईडी पासवर्ड डालना पड़ेगा। तो इस फोन में जीमेल आईडी नहीं था, तो इसलिए यहाँ पे मैं स्किप वाला ऑप्शन आ चुका है। तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मोर पे क्लिक करता हूँ, आई एग्री पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे फिंगरप्रिंट के लिए आ रहा है, तो मैं यहाँ पे स्किप कर देता हूँ और यहाँ पे नेक्स्ट कर देता हूँ। फिर से यहाँ पे नेक्स्ट कर देता हूँ, फिर से यहाँ पे गेट टू स्टेटस पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा फोन में जो पैटर्न लॉक था वो पैटर्न रिमूव हो चुका है और साथ में जो भी हमारा डाटा था, फोटो, इमेज, सब कुछ डिलीट हो चुका है। मतलब नया जैसा फोन हमारा बन चुका है। तो चलिए मैं आपको मॉडल नंबर दिखा देता हूँ, सेटिंग में आ जाता हूँ। अब सेटिंग में आने के बाद मैं यहाँ पे एवर्ड फोन में आ जाता हूँ। तो एवर्ड फोन में आने के बाद, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका मॉडल नंबर जो है वीवो T1 मोबाइल है। तो आप इस तरफ आपका अगर पिन पैटर्न पासवर्ड लग जाता है तो आप इस तरफ आप इजिली रिमूव कर सकते हो।